नमस्कार, सोना न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। एकल अभियान ने मनाया स्वामी विवेकानंद जयंती सह युवा महोत्सव। शुक्रवार को महादानी मंदिर प्रांगण में एकल अभियान के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जयंती सह युवा महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संच समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद साहू, रंजीत खत्री के द्वारा स्वामी जी के जीवन चरित्र पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया, जहां सुरेश प्रसाद साहू ने कहा, अगर बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं तो विद्यालय को ही बच्चों तक जाना होगा, एकल विद्यालय का यही उद्देश्य है। वहीं 22 जनवरी 2024 अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर विराजमान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के शुभ अवसर पर क्षेत्र के सभी एकल ग्रामों में भव्य उत्सव दीपावली कार्यक्रम मनाने का संकल्प लिया गया। उक्त समय पर बेड़ो संच के सभी आचार्य भैया बहन, संच समिति के गणमान्य सदस्य मुकेश कुमार राय, पुजारी अशोक पंडा, अंकित सोनी, अभियान के वरिष्ठ सेवाव्रती अर्जुन सिंह, संभाग प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमुख जय कुमार यादव, ग्राम स्वराज योजना प्रमुख रांची भाग संच प्रमुख भोला महतो, हरखनाथ महतो, आचार्य लक्ष्मण जी, जगमोहन जी, रूप रानी देवी, लक्ष्मी देवी, रीता देवी, आरती देवी, नमिता देवी, नीतू सिंह, एलिस उराव, तारा मुनि सहित सभी भाई बहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और एकल अभियान आचार्य तारा मुनि को उनके संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। एकल अभियान बेड़ो संच के द्वारा आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसका मनाने का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देने और उनको प्रेरित करके देश को सही विकास की ओर ले जाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अपना परिचय दीजिए। रमेश प्रसाद गुप्ता, संच अध्यक्ष बेड़ो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।